समझे पढ़ना जैसे एवरेस्ट चढ़ना अकेले जंग लड़ना आई कांट टेक इट अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा समझ आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा मिस टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजीयर होगा एग्जाम में होल लाइफ अब से हर स्टूडेंट विनर होगा समझ आएगा तो मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन टू अटेंड अ फ्री लाइव क्लास डाउनलोड द ऐप नाउ Ellipse for JEE means let's get started. आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इलिप्स को फ्रॉम हेड टू टो मतलब ऐसी सारी इक्वेशंस, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपसे पूछे जाते हैं एंड ऑल दिस इन my मैथ मिनी कैप्स्यूल जिसे जो खाए वो नंबर पा जाए जो ना खाए वो इस टॉपिक को कह दे बाय बाय So, let's begin straight, dive straight into the topic. So, ellipse mein yaar, there are two kinds of ellipse that we are going to discuss. The horizontal ellipse and the vertical ellipse. Okay? So, all the list of formulae which we need, I have already packed them for you in the next slide. So, usko revise karenge aur saath saath aapko is session ke baad wo mil jayenge PDF mein. Right? So, yaar, yahan pe, now the concept which is tested is basically of a standard ellipse, which is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Alright? जहां पे आपके फोकाए होते हैं ये विद द कॉम्पोनेंट ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो ई होता है इसेंट्रिसिटी विच इज लेस देन वन इन केस ऑफ इलिप्स ये होते हैं आपके वर्टिसेस यानी वेयर माय इलिप्स मीट्स द एक्स एक्सिस तो ये हो गया ए जीरो ये हो गया माइनस ए जीरो आपकी ये ए टू बी होती है मेजर एक्सिस जिसको हम लेते हैं ट्वाइस ऑफ ए एंड दिस सी टू डी इज योर माइनर एक्सिस जो होती है ट्वाइस ऑफ बी बस इसी के कंपोनेंट्स के अराउंड हम करते हैं प्ले ऑल्सो वन मोर थिंग ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में देर इज वन रिजल्ट विच इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट विच इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर So, I am just giving you the download of all the things. हाँ, अगर डिटेल में पढ़ना है तो नीचे कॉमेंट कर देना. Now, same way talking of the vertical ellipse. Now, I am going to keep the equation same. यानी इसको हम लिखेंगे x square by a square plus y square by b square equal to 1. आखिर पहचानेंगे कैसे? Well, if the value of a is greater than b, मतलब कि x के नीचे वाली वैल्यू इज बिगर देन y की नीचे वाली वैल्यू देन इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स एंड इन केस वैल्यू अंडर y इज बिगर देन द वैल्यू अंडर a तो हो जाएगा आपका वर्टिकल एलिप्स अब सेम चीजें हम यहां भी पढ़ेंगे तो यहां सबका सेंटर ओरिजिन है ये हो जाएगा आपका 0, be 0, minus be ये हो जाएंगे आपके 0, b एंड 0, b ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ b एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी ट्वाइस ऑफ a यहां जो रिलेशन है वो बस इन दोनों का स्विच है एक और चीज जो होती है लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बेसिकली एक ऐसी लाइन जो यहां बनती है राइट तो इस केस में यही लाइन वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल बनती है जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड आगे मेरे पास कंसाइज फॉर्म में ये सारे फॉर्मूले हैं सो प्लीज मेक अ नोट ओके मूविंग टू दिस स्लाइड ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको लिख के रख लो इसमें मैं बस ऐड करूंगी दो इक्वेशंस और इन सब से आपका एलिप्स हो जाएगा सुपर स्ट्रांग So, if we talk about this table, ये हम बात कर रहे हैं horizontal ellipse की because a is greater than b
एंड यहाँ ए लेस देन बी. सारी चीज़ें वैसे ही हैं जैसी बात करी थी. इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस ऑब्वियसली क्योंकि एक्स एक्सेस है तो वाई इक्वल टू जीरो होगी, माइनर में एक्स इक्वल टू जीरो. यहाँ होगा उल्टा. आप कोई भी एक साइड याद कर लीजिए एंड सेकेंड साइड इज बस जीरो कॉमा और ए की जगह बी को रिप्लेस करना है. लेकिन ध्यान ये रखना कि ओरिजिनल इक्वेशन को बिल्कुल सेम रखना. ओके ये आपको इससे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी आप याद कर सकते हो. बहुत कम लेकिन कभी कभार पूछ ली जाती हैं. इसेंट्रिसिटी यू वॉन्ट टू रिमेंबर इट एज दिस फॉर्मूला, यू मे डू दैट. अदरवाइज ये सब हटाओ. जो बेसिक चीज करी थी हमने फॉर द फर्स्ट रो आप याद कर सकते हो, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर. एंड सेकेंड वाले के लिए जस्ट इंटरचेंज, ठीक है जी. एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया ये, एंड यहां पे ए और बी को स्विच करके आ गया ये. तो एक बार इस स्लाइड का ले लो स्क्रीनशॉट क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं. इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. सो नाउ लाइट्स कैमरा एंड एक्शन. शुरू करते हैं अपनी कहानी अब इन क्वेश्चंस की जुबानी. सो लेट्स रोल. लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस. अब अगर मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस तो वो आपको एक बताने का तरीका है बॉस कि इट इज अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है. अब क्या करें. सो एंड सेंटर एट द ओरिजिन बी 8. तो मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में होता है 2b स्क्वायर बाय a. दिस इज गिवन टू बी 8. सो इसको रख लेते हैं अपने पास. वी विल यूज इट आगे. और क्या लिखा है यहाँ पे. इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ दीज एलिप्स. यार अब ये फोकाई आपने करी थी ए ई कॉमा जीरो इन माइनस ए ई कॉमा जीरो, तो डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए ई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस जो थी 2b. तो यानी b इज इक्वल टू ए ई. अब इन दोनों में कुछ काम करना है एंड फाइंड करना है ए एंड बी. इलिप्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू वुड सी यू जस्ट हैव टू फाइंड ए एंड बी एंड आपका क्वेश्चन हो जाता है ऐसे, राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन इट. तो पहले बी और ए निकालोगे तभी तो चेक करोगे विच पॉइंट लाइज ऑन इट. अब विच इज द थर्ड थिंग जो बहुत ज्यादा काम आती है इक्वेशन, दैट इज सिंपली बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है. तो इसको यूज करते हैं. दिस विल बी ए स्क्वायर. ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर. तो यानी एक तो कंडीशन आ गई ये वाली, राइट. अब इनको अगर आगे सॉल्व करें, फ्रॉम हियर माय बी स्क्वायर इज 4a. तो ऑब्वियसली a क्या आ गया आपका, a इज इक्वल टू 8. अब इसी तरह से आप निकाल सकते हो अपने b को भी, रादर b स्क्वायर भी चलेगा. तो b स्क्वायर विल बी 32, ठीक है जी. तो इक्वेशन क्या आ गई आपके एलिप्स की, यहां लिख देते हैं. सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाय 64 प्लस वाई स्क्वायर बाय 32 इज इक्वल टू 1. आप सॉल्व करके देख लो विच पॉइंट विल सैटिस्फाई. तो मैंने ये वाली इक्वेशन को यूज किया और ये यूज करके निकाल दिया आपकी इक्वेशन. नाउ सब्स्टिट्यूट एंड चेक विच वन इज द आंसर. अब तक तो निकाल लिया होगा दैट बी वुड बी द डिजायर्ड आंसर. तो चले आगे अब. ऑलराइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन. बच्चों इन केस कुछ भी इधर उधर मिस हो जाए डोंट यू वरी, जॉइन आर टेलीग्राम ग्रुप वेदांतु मैथ. लिंक है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो डाउनलोड द ऐप द वेदांतु लर्निंग ऐप क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा वहां. चलो आप लोग बोलते हो न्यूमेरिकल टाइप नहीं करते. यार इस वीडियो में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप भी लेके आई हूं. चेक दिस आउट. सो इन एन एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन
इफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज 10, लेकिन अब ये कौन सी इलिप्स है कैसे पता लगाए? ये देखो, वन ऑफ द फोकाई इज दिस, तो मतलब फोकाई इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये है आपकी वर्टिकल वाली इलिप्स. ओके, तो यानी बी ई इज 5√3. अब डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेजर, इस केस में मेजर इज 2b, माइनर इज 2a. यानी एक और इक्वेशन आ गई. हमको पता लगाना है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम. इन शॉर्ट बॉस, ए एंड बी की है पूरी कहानी. तो फिर से हम यूज करेंगे वो रिलेशन. अब देखो, यहां पे इस बार ए एंड बी को एक्सचेंज करके लिख दिया. ऑल राइट, सो दिस बिकम्स बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर विल बी 75. ओके, तो यार अब यहां पे आप बी को लिख सकते हो 5 प्लस ए. अब ये सारी तो सिंप्लीफिकेशन है. सिंप्लीफाई करो और बताओ व्हाट वुड बी द वैल्यू फॉर ए. तो ए आ जाएगा आपका 5, देयरफॉर बी इज 10. एंड हमारी इस केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इट विल बी 2a² / b. तो निकाल लो, दिस विल बी ऑफ कोर्स, क्या आ रहा है इसका आंसर? 5 यूनिट्स वुड बी द आंसर. ओके, सो द प्रोसीजर इज ऑल्सो हियर. मेक श्योर कि चेकआउट कर लो कुछ मिस हो गया हो तो. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, लेट एस एंड एस डैश बी द फोकाई ऑफ एन एलिप्स एंड बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स माइनर एक्सिस. अब मुझे कुछ भी नहीं पता इस एलिप्स के बारे में, नो वरीज, आई कैन टेक एनी टाइप आई वॉन्ट. सपोज ऐसे रखा अपने एलिप्स को. अब समझो, आई हैव बीन गिवन द फोकाई ऑफ द एलिप्स एज एस एंड एस डैश एंड बी इज वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज. तो यार इसको ले लेते हैं बी, लेकिन इट इज गिवन दैट एस डैश बी एस, मतलब ये एंगल है 90 degrees. बहुत बढ़िया. अब इसके कॉम्पोनेंट्स मुझे पता है, ए ई कॉमा 0, बाएं हाथ का खेल भी लिख लेते हैं यहाँ, माइनस ए ई कॉमा 0 एंड बी इज 0, b. ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिंस दिस इज 90 degrees, तो आपको पता है आपका बी एस डैश इंटू बी एस इज -1. क्यों यार, स्लोप का प्रोडक्ट होगा ना -1, तो बी एस डैश की स्लोप हो जाएगी आपकी -b/-ae इंटू ए ई अपॉन -b इज इक्वल टू -a. तो मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू a² e² राइट. अब आगे और कोई इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है यार, ये ट्रायंगल बना रहा है, ये भी 90 है. What will be the area of the triangle? क्योंकि यहाँ पे mentioned है area as 8. तो इस केस में क्या होगा? Half into SS dash जो हो जाएगा 2AE into this perpendicular BO. तो इसको क्या लिखूँ मैं? Obviously ये तो पहले से ही B है. This is given to be 8 units. ठीक है, तो BAE भी आपका हो गया 8. अब क्या करें? तीसरी कंडीशन भी यूज कर सकते हो. क्या थी वो? अब इन तीन कंडीशंस को यूज करके यू कैन गेट योर ए एंड बी. एवरीवन जस्ट ट्राई इट आउट. सो ये सब यूज करके यार आ जाएगा बी स्क्वायर एज 8 एंड ए स्क्वायर एज 16. अब ये तो कैलकुलेशंस है, आई एम श्योर इनको कर ही लोगे. अगर कहीं अटक भी गए, रास्ता भटक भी गए, डोंट वरी, बिकॉज द एंटायर सॉल्यूशन इज हियर फॉर यू. तो ए स्क्वायर एक बार 16 आ गया और बी स्क्वायर 8, देन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² / a विच गिव्स यू 4 units एंड दैट्स योर आंसर. प्लीज मेक अ नोट.
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चंस. ये रहा. ऑलराइट, तो इधर बात हो रही है टेंजेंट्स ऑन द एलिप्स की. ठीक है, तो अब आपको बता दे टेंजेंट क्या है. पहले लेट्स राइट दिस एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो मुझे चाहिए राइट साइड पे 1. लेट्स डिवाइड द एंटायर थिंग विद 8. तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो जब भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो तो आपकी इक्वेशन बन जाती है. बिकॉज ऑब्वियसली एक क्या टेंजेंट बन रहा है तो देयर बी अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. लेट्स से वो है x1, तो ये बन जाएगा x1. तो x की जगह लिख दिया आपने x1. बाकी सब चीज़ें सेम. y इंटू y की जगह y इंटू y1. बाकी सब चीज़ें सेम. दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ठीक है जी, तो बस इसी को यूज करना है. बिकॉज एट द पॉइंट 1, 2 एंड a, b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी मेरी. इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1, 2 इज दिस वन. तो यहां से एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4. लेट्स मार्क दिस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. आई हैव ऑल्सो बीन गिवन की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट AB. तो यार वो क्या हो जाएगी. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a, b विल बिकम x इंटू a बाय 2 प्लस y इंटू b बाय 8 इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, तो 4ax प्लस by इज इक्वल टू 8. ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. मेक अ नोट टिल हियर, देन आई टेक यू थोड़ा आगे. ओके, मूविंग टू द थर्ड थिंग. अब और क्या कर सकती हूं मैं. देखो, स्लोप निकाल सकती हूं. तो m1 क्या हो जाएगा, स्लोप फॉर दिस लाइन विल बी -2 एंड स्लोप फॉर दिस लाइन हो जाएगा -4a/b. ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज गिवन टू बी इक्वल टू -1. ओके, तो ये यार एक आपको मिल गया कंडीशन दैट b इज इक्वल टू 8a. अब कैसे निकालू मैं. ये दोनों तो यूज कर ली इनकी स्लोप्स. अरे भाई, डोंट फॉरगेट दैट इस पैराबोला पे a and b इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सेटिस्फाई करना बनता है. वॉट विल आई गेट फ्रॉम हियर, 4a² प्लस b² इज इक्वल टू 8. बस हो गया, क्योंकि यहां तो अभी हमने निकाला है कि b इज 8a². तो सब कुछ कर लिया हमने कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ a². ऐसा क्यों, क्योंकि वी हैव टू गेट द वैल्यू फॉर a². सो दैट्स इट बच्चों, दिस विल बी 68a² इज इक्वल टू 8. यानी कि a² बिकम्स 2/17. दैट्स इट, आंसर डन. तो कुछ स्टेप मिस हो गया हो तो मेक श्योर टू चेक आउट द PDF आफ्टर दिस सेशन. ऑलराइट, अब बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में. प्लीज रीड दिस एंड देन लेट्स गेट क्रैकिंग. ओके, इफ द लाइन इज टेंजेंट टू द गिवन एलिप्स एट दिस पॉइंट, देन लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट. अब तुम समझ रहे हो, सेम ही सिचुएशन. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकलेगी ए एंड बी से. तो फिर से वही काम करना है, यू हैव टू गेट योर ए एंड बी. So how do we do this? So if this line is the tangent, पहले तो इस line पे tangent इस पे निकाल लें, x into 3 by a² plus y into -9/2/b² is equal to 1. अच्छा, अब ये जो है ये line is the tangent. ओके, सो ये भी टेंजेंट है एट द पॉइंट एंड दे आर ऑलरेडी गिवन कि ये टेंजेंट है. तो इसके कोफिशियंट्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम लाइन.
तो क्या करना है यार आपको, आप लिख सकते हो 3a by square is equal to, तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लूँ, मतलब 1 से डिवाइड 12 से डिवाइड कर दूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म का सिर्फ मतलब है कि फॉर्म इसके साथ मैच कर दूँ, दैट्स इट. सो 3 by a square will be equal to 1 by 12. एंड वैसे यहाँ पे माइनस 9 बाय 2 बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय माइनस 1 बाय 6. ठीक है जी, बस अब आप ए एंड बी यहाँ से निकाल लीजिए. हाउ विल आई गेट, तो किया क्या हमने, बिकॉज ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, वी जस्ट कंपेयर्ड उनके कोफिशंट्स को प्रोपोर्शनल ले लिया. सो दैट मीन्स फ्रॉम हियर ए स्क्वायर इज 36, राइट, एंड फ्रॉम हियर बी स्क्वायर इज 27. तो सब कुछ तो आ गया. अब क्या होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमने लिया है स्टैंडर्ड एलिप्स, ओ बी स्क्वायर इज ऑलरेडी 27. बस ये करना है और मुझे बता दो क्या होगा इसका आंसर. That's it. 9 units is the answer. I am sure निकल गया होगा answer. Please make a note. Okay, अब बढ़ते हैं एक और question की तरफ, करते हैं इसे crack. So the question says, if the normal to this ellipse at a point P on it is parallel to the line. यार normal तो ma'am आपने बताया ही नहीं क्या equation होती है. डोंट वरी, अभी बता देते हैं. ओके, सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर एनी गिवन एलिप्स, कैसा एलिप्स, जो ऐसा एलिप्स है एट एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन कैन बी गिवन बाय दिस कंडीशन. ठीक है जी, यार बहुत तरीके हो सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, बट द थिंग इज आई लाइक दिस वन द बेस्ट, सो माई गेम माई रूल्स. वैसे ही अगर आपको कोई और नॉर्मल की इक्वेशन अच्छी लगती है तो यू कैन पिक दैट. ऑल राइट, कमिंग टू दिस वन, इफ आई यूज, अब आई हैव टू फाइंड, यहाँ पे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें एलिप्स की, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1. तो आपका ए स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4 इंटू वाई 1. पॉइंट मुझे गिवन नहीं है तो आई कैन अज्यूम इट टू बी x1 y1. ठीक है, तो आई कैन से 4y1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्योंकि मेरे पास x1 भी नहीं है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज 3 x1 y माइनस y1. अब मुझे गिवन है दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप होगा बिल्कुल सेम. लेट्स यूज दैट. तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करके आपका आंसर ये आ जाएगा. तो स्लोप वुड बी माइनस 4y1 अपॉन माइनस 3x1. ठीक है जी, एंड इसकी स्लोप क्या है लाइन की, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस 2, राइट. तो यहां आपके पास आ जाएगा 2y1 इज इक्वल टू माइनस 3x1. ये हो गई एक कंडीशन जिसे हम यूज करेंगे. लेट्स गो आगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट टेंजेंट टू द एलिप्स एट पी पासिस थ्रू दिस. तो पहले तो यार टेंजेंट टू दिस एलिप्स लिखी ही ऐसे जाएगी. नाउ इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4 4. अब बच्चे यहां क्या गड़बड़ करते हैं कि x1 और y1 को लिख देते हैं 4 4. नो, वो तो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका पी. आप डालोगे x और y की जगह अपना 4 4, तो ये हो जाएगा 4x1 by 4 plus 4y1 by 3 is equal to 1. So, एक और हमारे पास आ गई कंडीशन that 3x1 plus 4y1 is equal to 3. अब बस इन दोनों इक्वेशंस को कर लो सिंप्लीफाई, आ जाएगा आपका पॉइंट P which is x1 y1. तो यहां सिंप्लीफाई करके योर पी विल कम आउट टू बी
माइनस वन एंड थ्री बाय टू. अब यार क्यू हमें पता है, पी भी अब पता है, तो अब पी क्यू का डिस्टेंस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ही लोगे. जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर. So all those of you who gave the answer 5 root 5 by 2, brilliant guys. Okay, अब बहुत मेहनत मैंने कर ली इस छोटे से कैप्सूल के लिए. अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मेक श्योर यू कमेंट. एज ऑफ नाउ इसको बनाते हैं आपका लेट्स सॉल्व इट क्वेश्चन. तो एक बार पढ़ते हैं इसको. द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हू सेंटर इज एट ओरिजिन इज हाफ. तो eccentricity is given to be half. One of the directrices is x equal to minus 4. X equal to minus 4 मतलब यार parallel to the y-axis. तो इस चक्कर में आपको पता चल गया कि it's going to be horizontal ellipse. ठीक है जी. Then the equation of the normal to it at this point is what? अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए यार अगर आपकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स की, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1 y1 कैन बी गिवन एज सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. आप इसको यूज कर सकते हैं. पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है 1,3 बाय 2. और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है वो मैंने बिगिनिंग में टेबल में दिखाया था. सो जस्ट ट्राई इट आउट एंड कॉमेंट अंडर दिस वीडियो फास्ट. ओके, वैसे डोंट वरी, जब PDF मिलेगा तो उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, बट प्लीज ट्राई इट ऑन योर ओन. तो ये मेरे सारे सेशन के PDFs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे भी. तो जाइए डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक शेयर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत awesome कंटेंट ऑलरेडी है एंड बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं. तो सिर्फ लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब करना भी बनता है बॉस. I will see you next time. Till then, thank you so much. Bye-bye.